गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना गुरुवार को सुबह 8 बजे से 14 टेबल पर शुरू हुई। गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय परिसर में बनाए गए मतगणना स्थल पर भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव प्रेक्षक, रिटर्निंग ऑफिसर व मंडलायुक्त जयंत नालिकर, जिलाधिकारी केवीएन पांडियन, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सुबह 8 बजे से प्रत्याशियों के सामने मतपेटियों को खोला गया तथा बंडल बनाकर 14 टेबल पर मतगणना शुरू की गई। कई राउंड तक चलने वाली मतगणना देर रात तक परिणाम आने की उम्मीद है। गौरतलब है 1 दिसंबर को जनपद के 16 मतदान केंद्रों पर मतदान किया गया। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन के तहत 17 जिलों में हुए मतदान की पेटियाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय स्थित स्ट्रांग रूम में 1 दिसंबर को ही जमा कर दी गई थी, जिसे गुरुवार को सुबह 8 बजे से खोला गया। 50-50 की गड्डी बनाकर मतगणना शुरू हुई, जिसमें निवर्तमान शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी अन्य प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर दे रहे थे। फिलहाल समाचार लिखे जाने तक चुनाव परिणाम घोषित नहीं हो सका था। चुनाव के मतगणना के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे और किसी भी व्यक्ति को मतगणना स्थल पर जाने की अनुमति नहीं दी गई। गाड़ी नहीं जाएगी ना, आप जाइए गाड़ी स्पीड में जाना। कोई शिकायत होने पर काउंटी सुपरवाइजर या सीनियर अधिकारी।